हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई ने मुझे लेमन प्लांट पे वीडियो करने के लिए कहा और आप लोगों में से कई ने मुझे यूट्यूब के कमेंट के थ्रू, मेरे फेसबुक पेज के थ्रू कई सारे क्वेरीज पूछे हैं। अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो तीन तरह की क्वेरी बहुत ही ज़्यादा हैं। पहला, आप में से कई बोलते हैं कि मेरे लेमन ट्री पे फ्लावर्स ही नहीं आ रहे। कई कहते हैं कि फ्लावर्स तो लग रहे हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं लग रहे। और बहुत सारी क्वेरीज हैं कि फ्लावर्स भी लग रहे हैं, फ्रूट भी लग रहे हैं, लेकिन फ्रूट बड़े होने के पहले ही, बस पी साइज होने पे ही, बस छोटे से में ही गिर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इन तीनों प्रॉब्लम पे एक डिटेल वीडियो कर दूं ताकि आपको लेमन ग्रो करने में काफ़ी ही आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रॉब्लम पे कि फ्लावर्स नहीं लग रहे हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपका प्लांट इमैच्योर हो, बहुत छोटा हो। सीड से ग्रो किए हुए प्लांट पे फ्लावरिंग 3 साल के बाद से ही स्टार्ट होगा और 4th साल से उसमें अच्छे से फ्रूट लगना स्टार्ट होगा। अगर आपने कटिंग से या एयर लेयरिंग से ग्रो किया है तो मे बी नेक्स्ट ईयर फ्लावर्स लगें, लेकिन वो फ्लावर्स सही से फ्रूट नहीं दे पाते हैं। अगर आपका प्लांट 4 साल से पुराना है और फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि आप सही से फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं, सही से वाटरिंग नहीं कर रहे हैं और सही से उसे डिजीज और पेस्ट से बचा नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड्स, लेमन हैवी फीडर प्लांट है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए इसे अच्छे अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। फ्रेंड्स, तीनों प्रॉब्लम देख लेने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि लेमन प्लांट को हमें फर्टिलाइजर कैसे डालना है। स्पेशली मैं अभी पॉट में लगे हुए लेमन प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखें। और फ्रेंड्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के सीजन में मिट्टी को हमेशा ही मॉइस्ट रखने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं। इसके लिए आप मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दूसरा प्रॉब्लम जो आप पूछते हैं वो है कि फ्लावर्स आ रहे हैं लेकिन सारे फ्लावर्स सूख कर गिर जा रहे हैं, फ्रूट सेट नहीं हो रहा। साफ सी बात है, प्लांट अभी छोटा है, उसे और थोड़ा ग्रो होने दीजिए और आप वाटर शेड्यूल को सही करिए। तीसरा प्रॉब्लम आप जो पूछते हैं कि फ्रूट छोटे छोटे होकर होते ही गिर जाते हैं, बड़े नहीं होते हैं, उसका रीज़न है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं जितना उस प्लांट को नहीं चाहिए। और ये भी हो सकता है कि प्लांट का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या लाइट रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ उसमें कुछ डिजीज या फंगल इन्फेक्शन भी हो। अपने 7 टिप्स वाले वीडियो में मैंने पेस्ट कंट्रोल बताया है और इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो भी करूंगी ताकि आसानी से आप अपने लेमन प्लांट को पेस्ट से, डिजीज से, इंसेक्ट से बचा सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब डिटेल में बात करते हैं कि फर्टिलाइजर पॉट में लगे हुए लेमन प्लांट में कैसे डालना है। फ्रेंड्स, 12 से 14 इंच के पॉट साइज में लगे हुए 4 साल से पुराने लेमन ट्री पे आप 100 से 120 ग्राम तक फर्टिलाइजर कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कह रही हूँ, चाहे तो आप कंपोस्ट यूज करिए चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट। इससे लेमन प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट लेमन प्लांट के लिए काफ़ी ही ज़रूरी रहता है, इसलिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल ही स्किप मत करिए। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है तो कोई केमिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं और बैलेंस्ड एनपीके सॉल्यूशन आपको यूज करना है। एनपीके को पानी में डिजॉल्व करके यूज करिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छे से और इजीली अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में थोड़ा फर्टिलाइजर का जो शेड्यूल मैंने आपको बताया उसको आपको थोड़ा अलग करना है। फरवरी में आप कंपोस्ट डालिए और जितना आप एनपीके डाल रहे हैं उसका हाफ ही डोज डालिए और थोड़ा सा 5-6 दाना डीएपी का या एसएसपी का, कोई भी फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर का यूज करिए। आप ऑर्गेनिक में बोन मील भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इस सीजन में फॉस्फोरस डालने से फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होती है और जो आपको अच्छे फ्रूट्स के लिए चाहिए। और जब फ्लावर्स आ जाएं तो आप अपने प्लांट में कंपोस्ट के साथ पिंच ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर, आप म्यूरेट ऑफ पोटैश यूज कर सकते हैं या फिर केले के छिलके का फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, वो डालिए। प्लांट का फ्लावर झड़ने से बचेगा और इमैच्योर फ्रूट फॉल भी नहीं होगा। जनवरी में और मई में आप जिंक सल्फेट का 0.6% सॉल्यूशन का आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा जो लेमन प्लांट के लिए काफ़ी ही ज़रूरी है। अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग के लिए फर्टिलाइजर को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है।
आप फर्टिलाइजर काफी सोच समझ के डालिए, बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, प्लांट ज्यादा सफर ना करे, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो लेमन प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने गार्डन लवर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा वीडियोस, ताकि वो भी अपने बालकनी में, अपने पॉट में लेमन अच्छे से ग्रो कर सके। फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्लांट्स का भी। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।